देखिए, आज हमारे पिछड़े और दलित समाज के बच्चों ने मेरे यहाँ लगभग 10-15 की संख्या में आए और पूजा के लिए कि लक्ष्मी पूजा करना, सरस्वती पूजा करना, दुर्गा पूजा करना, इसके लिए मुझसे उन्होंने चंदा मांगा। मैंने उन बच्चों से कहा ये पूजा करने से कुछ नहीं होना, क्योंकि हमारा भगवान जो है मंदिर में आता, खरीद कर आता है, चोर उठा ले जाता है, तो उसकी रक्षा केवल हमारे देश संविधान करता है, आप कर्म करो। मैंने कहा चंदे पूजा का चंदा नहीं दूंगा, तुम शिक्षा लेते हो, परिवार के गरीब हो, तो जो भी 50,000 रुपया शिक्षा लेने में प्राइम लगता है उसको देने की तैयार है, देते हैं। उन बच्चों को मैंने आज पूजा का चंदा ना दे करके मैंने कहा, बल्कि तुम लोग बच्चे हो, पढ़ रहे हो, एक एक पैंट और शर्ट में जो बच्चे आए थे 10-15 की संख्या मैंने सबको दिया, लेकिन पूजा मैंने मजबूती से कहा कि आज से पूजा बंद करो, कांवर ले जाना बंद करो, दुर्गा पूजा बंद करो, रामलीला बंद करो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही कर्म की पूजा करो, तो मैंने कहा कर्म की पूजा करो, अच्छी शिक्षा लो, आगे बढ़ो, पूजा करना तो अपने किताब की पूजा करो, अपने खेत की पूजा करो, अपने बिजनेस की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, उससे समाज आगे बढ़ेगा। इन बच्चों ने जो मैं समझाया, इन बच्चों के समझ में आए, बच्चों ने ये प्रण किया कि हम लोग पूजा नहीं करेंगे, अब कर्म पर विश्वास करेंगे, शिक्षा लेंगे, अपनी खेती भी अच्छी करेंगे, अपना बिजनेस भी अच्छा करेंगे, और शिक्षा लेने के लिए सबको मजबूर करेंगे, बात करेंगे, सब लोग अच्छी शिक्षा लीजिए, और आज से रामलीला हो या कांवर लेकर जाना हो या दुर्गा पूजा करना हो, हम सब लोग बहिष्कार करते हैं और सबको समाज में समझाएंगे कि पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला।